क्वेश्चन है, कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेट ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, कैलकुलेट ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास एम, ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, ऑफ मास एम एंड रेडियस आर एट अ डिस्टेंस एक्स, एट अ डिस्टेंस एक्स ऑन द एक्सिस ऑफ, एट अ डिस्टेंस एक्स ऑन द एक्सिस ऑफ, ऑन द एक्सिस फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग, ऑन द एक्सिस ऑफ सेंटर फ्रॉम रिंग. सपोज ये एक रिंग है, ठीक है, इस रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी पॉइंट. इस पी पॉइंट पर इस रिंग की वजह से हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है. क्या बतानी है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है. ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी और ये है रेडियस आर. ये डिस्टेंस कितनी दी है? एक्स. ये डिस्टेंस है एक्स. इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है हमको यहां पे. ठीक है, ये डीएम मास है, माना है हमने डीएम मास, क्योंकि ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि क्या है कि जितना भी मास है वो पूरा मास इस रिंग के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. एम इसका मास है, आर इसकी रेडियस है. इस रिंग की वजह से किसी पी पॉइंट पे हमको क्या बताना है? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बतानी है हमको. तो हमने क्या किया कि एक छोटा सा यहां पर डीएम मास का टुकड़ा लिया, इस डीएम मास की वजह से इस पॉइंट पर, ध्यान से देखना, इस डीएम मास की वजह से इस पॉइंट पर हमने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला और उसको हमने क्या किया, डी मान लिया कि भाई इसकी वजह से एक डी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फील्ड आएगा, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा, है ना. तो इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल आर मान लेता हूं तो ये कितनी हो जाएगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो डीएम मास क्या हो जाएगा यहां पर? डीएम मास क्या हो जाएगा यहां पे? उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, छोड़ो अभी. तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड लिख लेते हैं. इसकी वजह से पी डिस्टेंस पर कितना आ जाएगा? जी डीएम अपॉन आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा ये? आर स्क्वायर. क्या आई वैल्यू है? डीई की. इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, डी की वैल्यू आ गई ना ये, यहां पर हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे. अब देखो थोड़ी सी बात हमारे ये समझ में आनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ये, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. यानी अगर मैं बात करूं तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? ऐसे होगी, और एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा और एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, डीई का. ये एंगल अगर सपोज थीटा मानते हैं तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा और ये हो जाएगा डीई साइन थीटा. इसी तरह से मैं जस्ट इसके अपोजिट एक जब यहां पर एक और डीएम मास लूंगा तो उस डीएम मास की वजह से इस तरफ एक होगा डीई और उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा. तो ऊपर वाला कंपोनेंट आएगा उसका डीई साइन थीटा और इधर क्या कंपोनेंट आ जाएगा? डीई
कोस थीटा यानी डी साइन थीटा जो है ये कैंसिल आउट हो रहे हैं आपस में। ऐसे ही हर पॉइंट के जस्ट अपोजिट सामने जो पॉइंट होगा उसकी वजह से उनके जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट है वो तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या केवल कोस थीटा वाला। तो क्यों ना हम ये डी कोस थीटा करेंगे इसको हम, तो किसको इंटीग्रेट करेंगे हम, डी कोस थीटा वाले कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको पूरी रिंग का मिल जाएगा, ये लो कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू यहां से देख लो क्या आ जाएगी, ये ट्रायंगल है एक, ये बी मान लो, तो एबीसी से कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोस थीटा की जगह एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पहले से ही अंडर रूट आएगा, तो पावर 3/2 जीरो से एम, कहां से इंटीग्रेट करेंगे इसको, जीरो से एम कितना हो जाएगा, ये आगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये लो। तो किसी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, जी एम आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ रिंग, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ रिंग, लिख लो इसको, आगे बढ़ेंगे हम इसमें। अब इसी तरह से मान लो ये एक डिस्क होती, क्या होती है, एक डिस्क होती सपोज, ये लो है ना, डिस्क होती तो हम क्या करते हैं, उस डिस्क में से इस तरह की एक रिंग काटते जिसकी विड्थ होती dr, ये कर चुके हैं हम पहले, सेंटर ऑफ मास में भी कर चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जब भी कर चुके हैं, रिंग काटेंगे उसकी विड्थ लेंगे क्या dr, मास मानेंगे उसका क्या dm, और कैसे लिखेंगे dm मास को हम, सिग्मा da, यही करते हैं, सिग्मा का मतलब क्या हो गया, मास पर यूनिट एरिया, यानी m अपॉन a, डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय इस का एरिया, तो इसको जब मैं स्ट्रेट करूंगा तो एरिया क्या लिखते थे हम इसका, 2 पाई आर डी आर, पाई से पाई कैंसिल, कितना आ जाएगा ये 2 m r डी आर अपॉन r स्क्वायर, 2 m r डी आर अपॉन r स्क्वायर, ये dm की वैल्यू आ गई। बस इस रिंग की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, तो आप लिख लेना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क इज इक्वल टू, डिस्क इज इक्वल टू क्या होती थी, 2 जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ होता था शायद, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं होता था, 1 अपॉन एक्स ये होता है 2 जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ड्यू टू डिस्क, डिस्क की वजह से, नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल, ड्यू टू स्फेरिकल सेल, मास m रेडियस r, मास m रेडियस r, दो केस लेंगे हम उसमें, पहला केस हम उसमें लेंगे एक r डिस्टेंस लेंगे विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू r होगी, और एक r डिस्टेंस जो लेस देन r होगी, ठीक है, दोनों की वजह से वही सेम फंडा है यहां पर भी, उसी तरह से जिस तरह से हमने सेंटर ऑफ मास में यूज में लिया था, सेंटर ऑफ मास में हमने निकाला था, ऐसे हम यहां पर भी लिखेंगे, तो लिखो
डायरेक्टली लिख देते हैं, क्योंकि निकालना मैं बता चुका हूं, तुम निकाल लेना। और अगर यहां पर नहीं भी आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम निकालेंगे इसको वापस से। तो यहां डायरेक्टली हम टाइम वेस्ट करने की बजाय इसको लिख ही लेते हैं, क्या होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्फेरिकल सरफेस ग्रेटर देन इक्वल टू आर, मतलब ये आर इसकी सरफेस पे या इससे बाहर कहीं पॉइंट होगा। तो जैसे ही इसकी सरफेस पे या इससे बाहर कहीं पॉइंट होगा तो हम इसको एक पॉइंट मास कंसिडर कर लेंगे, और पॉइंट मास की वजह से किसी आर डिस्टेंस पर अगर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये लो, तो ये किस कंडीशन के लिए होगा, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। और ई जी लिखा करो इसको, और ई जी इक्वल टू आर इज लेस देन आर, यानी इसके अंदर कितना हो जाएगा, जीरो। इसके अंदर हो जाएगा जीरो, क्योंकि अंदर में क्या होगा, आपस में सारे जो डीएम 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 मास इसके अपोजिट में दूसरे अपोजिट में आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। तो अंदर कितनी वैल्यू आ जाएगी ई की, जीरो। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होती थी स्फेरिकल सेल के लिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और अंदर होती थी जीरो। यहां पर भी वही सेम है,